आमिर हमीद अब्बासी स्काई वन न्यूज़ से आज एक प्रोग्राम लेके आया हूँ जो कि है ट्रैफिक के ऊपर, डबल सवारी पे पाबंदी। आप आवाम में से लोग समझते हैं कि डबल सवारी ख़त्म हो चुकी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल सवारी को मुस्तकिल कर दिया गया है, बस इतना उन्होंने करम और मेहरबानी की है कि गिरफ्तारियां, FIRें इस पे से ख़त्म कर दी गई हैं और ट्रैफिक पे शहर कराची के SO ट्रैफिक पुलिस पर ये डबल सवारी के ऊपर चालान डाल दिया गया है जो कि 520 रुपए का चालान है और सुबह से 9 बजे से तकरीबन 3 बजे तक लाखों की आमदनी हो जाती है। क्या बात है, ये हमारी गवर्नमेंट है कि अभी आवाम कोरोना वायरस से निकली नहीं है पूरी तरह, कि किस तरीके से घरों में लॉकडाउन हुए, घरों में महसूर हो गए, उनको खाने पीने की अशिया नहीं, परेशानी, बड़ी बड़ी फैमिलियों के साथ परेशान हुए। अब आके लॉकडाउन की एक टाइमिंग के साथ थोड़ा सा गवर्नमेंट ने टाइम दिया कि भाई इतने बजे लॉकडाउन लग जाएगा, इतने बजे तक आप अपने काम निपटा लें, तो उन काम निपटानों पे पता है कि दुकानें भी खुल गई थानों के अंदर, पुलिस थानों के अंदर दुकानें खुल चुकी हैं, जो कि पुलिस मोबाइलों ने दुकानदारों से भत्ते सेट कर लिए हैं, जिसका प्रूफ हमारे पास मौजूद है कि एक साहब ने ये हमें लिख के दिया कि हमारी दुकान से पूरी ये जो दुकानों वाली पट्टी होती है, ये जिसमें स्नोपियाँ भी हैं और आगे आके जो के मकैनिकों की दुकानें हैं उनसे वो भत्ता सेट किया हुआ है। शहर कराची की बात कर रहा हूँ मैं, कोई एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कि पुलिस ने थानों में दुकानें खोल ली हैं, मोबाइलें जाती हैं अपने वो सेटिंग में, मोटरसाइकिलों पे जाते हैं वो सेटिंग में हो रहा है। अच्छा, बात ये थी कि मैं इस तरफ था कि चलान डबल सवारी पर, चलान डबल सवारी पर जो अभी 520 रुपए का चलान हो रहा है और 300 रुपए लाइसेंस का, तकरीबन 800 रुपए फी बंदा पड़ जाता है। और आपको तो पता है कि ये जो ट्रैफिक माफिया है, जो लोग हैं, इन्होंने भी आदत बिगाड़ चुके हैं। अब आप ये बताएं कि ये जो 520 रुपये का जो ये चलान कर रहे हैं, क्या चलान रसीद के ऊपर क्या ये छाप दिया है मुस्तकिल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलान रसीद के ऊपर 520 रुपये डबल सवारी पर पाबंदी कोई नहीं छपा हुआ, छपाई नहीं हुई भी। ये सिर्फ जो इनके हैवी चलान हैं इसके अंदर उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। अब ट्रैफिक का अकाउंट, ये हमने लिस्टें निकाली हैं या हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं जो कि ये ट्रैफिक के कहाँ कहाँ ये अकाउंट खुले हुए हैं, ट्रैफिक वालों के कैसे कैसे अकाउंट खुले हुए, कौन कौन सी बुकें इनकी चल रही हैं इस वक्त, किस किस खाते में ये पेमेंटें जा रही हैं, कौन कौन इसके अंदर शामिल है, ये हमने सारे ये प्रूफ निकाले हुए हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। अब आप ये बताएं, आवाम अभी कोरोना वायरस से निकली नहीं है, एक नया बटन इन पर डाल दिया गया है डबल सवारी पर पाबंदी। ठीक है, एक मुस्तकिल तौर पर नहीं होता है, एक उसमें होता है कि अगर जैसे पिछले दौर में बम धमाके हो रहे या कोई ऐसी बात हो रही है या मुहर्रम आ गए, तो उस सूरत में आदमी क्या करता है, ये डबल सवारी पाबंदी हमारी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर लगा देती है।
क्या भाई ये 2 दिन के लिए पाबंदी है, ये 5 दिन के लिए पाबंदी है, ये 10 दिन के लिए पाबंदी है, लेकिन अब ये पाबंदी मुस्तकिल चलान की सूरत में है। चलान चलान क्या है? रकम, पैसा। ये करोड़ों रुपए बन रहा है, लाखों करोड़ों रुपए बन रहा है। ये चलान जो है 520 रुपए का चलान लाखों करोड़ों रुपए बन रहा है। गाड़ियां बॉन्ड कर देते हैं अगर आप 520 रुपए नहीं देंगे। अब एक 50,000 की मोटरसाइकिल वो जो है 520 रुपए के लिए कौन बॉन्ड करेगा? उधार लेगा, कुछ भी करेगा, वो 520 रुपए भर के वो गाड़ी वहां से उठाएगा। तो होम सेक्रेटरी साहब, सारे आर्डर आपके पास से निकलते हैं। वजीर आला सिंध CM हमारे, माशाल्लाह, ये देखें कि जो गरीब लोग हैं इन पे और बटन जो डाल के आपने, मैं आपको सलाम करता हूँ कि आपने, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने 520 रुपए किया FIR और थानों से बचा लिया। क्या बात है वजीर आला सिंध साहब, सलाम करता हूँ आपको मैं। मेरे ख्याल से आइंदा हुकूमत में आने का किसी को शौक नहीं है, अब नहीं आओगे, एक ही दफ़ा सब कमा लो। आवाम का तो ख्याल ही नहीं है बिल्कुल, कहीं बिजली का मसला, आदमी थका हुआ आ रहा है, लाइट नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं है। आप ये देखें, डिफेंस जैसे इलाके में लाइट होती है, औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, कोरंगी, ये इलाके देखो ना, गरीबों के इलाके। क्या गरीब इंसान नहीं है? क्या गरीब के अंदर खून नहीं है? आपके अंदर खून है, हमारे अंदर पानी है, क्यों ऐसा? ऐसा मत करें, गरीब पर रहम करें। ये जो डबल सवारी की पाबंदी है, बराए मेहरबानी इसको ख़त्म की जाए। ये लाखों रुपए नहीं बटोरे जाएं, ये मुस्तकिल जो किया गया है, मज़े आए हुए हैं, बैंकों में पैसा जा रहा है, डबल डबल अकाउंट खुले हुए इसके, जिसका प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डबल डबल बैंकों के अकाउंट खुले हुए हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? 520 रुपये क्यों नहीं डबल सवारी की पाबंदी ख़त्म की जा रही है? आवाम तो बेचारी, उसको क्या पता डबल सवारी पे पाबंदी है कि नहीं है, घूम रही है डबल सवारी पर, क्यों ऐसा? जब आवाम का, किसी बच्चे का, किसी आदमी का, किसी भाई का चलान होता है, उस वक्त उसको पता चलता है कि डबल सवारी की पाबंदी मौजूद है, मौजूद है डबल सवारी की पाबंदी। मेरे भाई, साला साल कौन डबल सवारी की पाबंदी लगाता है? या आपको कितने महीने हो गए इस डबल सवारी की पाबंदी को? क्यों लगाई हुई है? इसलिए कि नोट लाखों रुपए रोज के बनाए जा रहे हैं, आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। कहीं बिजली के इलेक्ट्रिक के जाली एग्रीमेंट दूसरे मुल्कों से किए जा रहे हैं, जिनके नाम भी नहीं है कि इसके ऑनर कौन है, मालिक कौन है। पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक जो है पाकिस्तान की मिल्कियत है, आज भी मिल्कियत है, ये तो नाम के लिए प्राइवेट कर दिया गया। इसके भी कई लोगों ने प्रूफ पेश करे मीडिया के ऊपर आके, लेकिन कोई गोशवारा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तबाही और बर्बादी के अलावा क्या है आवाम के लिए? भाई बाथरूम तक का तुम लोग टैक्स ले रहे हो, गटर तक का, रोड का टैक्स ले रहे हो, कहाँ रिलीफ दे रहे हो आवाम को? यहाँ तक के मोटरसाइकिल पे डबल बैठो उसका भी 520 रुपये डाला हुआ है, जबकि आपको ही पता है कोरोना की वजह से मुकम्मल गाड़ियां, बसेस नहीं चली हैं अभी। दो भाई अगर एक कंपनी में जा रहे हैं, दो दोस्त एक कंपनी में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका किराया बचता है, पेट्रोल डाल लेते हैं मिलके, अब मिलके चलान भी भरते हैं ताकि इनकी जेबें भरी जाएं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे पास प्रूफ मौजूद है। डबल सवारी की पाबंदी मुस्तकिल नहीं, हमारे आइन में क्या लिखा है कि मुस्तकिल आवाम को इस तरीके से परेशान किया जाए? आप आइन तो उठा के देखें ना, क्या लिखा हुआ उसके अंदर? मुस्तकिल आवाम को परेशान नहीं किया जाता है। आपने गैस से परेशान किया हुआ है, बिजली से परेशान किया हुआ है, आवाम कहाँ कहाँ परेशान हो रही है। बेरोजगारी है सिंध में, दूसरे इलाकों में भर्तियाँ करो, दादू और पता नहीं कौन कौन से, रानीपुर, कहाँ कहाँ से आप लोग, जहाँ के मिनिस्टर होते हैं वहाँ के लोग भर्ती होते हैं, कराची ट्रांसफ़र हो जाता है। तो भाई वो कराची वाले किधर जाएंगे जो ये बेरोज़गार लोग बैठे में, ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए सिर्फ यही है, भीख मांगे बस। क्यों भीख मांगे भाई? कराची वालों के जो कोटा है वो दो, जो कोटा चल रहा है उस कोटे के हिसाब से चलो, कि हैदराबाद के हैदराबाद में, पंजाब के पंजाब में, सिंध के सिंध में, कराची के कराची में, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट वाइज बाकायदा है इसका, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप भर्ती करें ना, आप क्यों नहीं कर रहे?
क्यों बाहर के लोग इधर आ रहे हैं, वो अपने घरों पे उस साइड पे भर्ती करें, आप दादू के लोगों के दादू में आप ड्यूटी सर अंजाम दें, यहाँ क्यों सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये वायरस तो कोरोना वायरस की तरह फैला हुआ है। वाई इन चीजों को खत्म किया जाए। अभी देखें खाने पीने की एशिया के ऊपर महंगाई चल रही है, दूध जो है 120 130 रुपए किलो शहर है कराची में फरोख्त हो रहा है, लेकिन कमीशन कराची की आंखें बंद हुई हुई हैं, मुराद अली शाह वजीर आला सिंध की आंखें बंद हुई हुई हैं। क्यों बंद हुई हुई हैं? खुदारा आंखें खोलो, इन लोगों को चलान करके कोई फायदा नहीं होगा कि कमिश्नर जाता है 20,000 का चलान, 25,000 का चलान, 50,000 का चलान, वो तो जेबों में आ रहा है, कौन से कौन में जा रहा है, वो भी उसकी भी लिस्ट में आपको बता दूंगा कहां कहां जा रहा है पैसा। इनको बाकायदा जो माफिया है, जो कानून हुकूमत का तोड़ रही है, हुकूमत सिंध का कानून तोड़ रही है, और दूध को जो 94-94 रुपए के रेट है दूध के, इसको जो है वो डबल 120 130 26 से 30 35 रुपया ऊपर दूध किलो पे जा रहा है। इंसानी जिंदगी जो है खत्म हो रही है, बच्चों की पहुंच से ये दूध दूर हो रहा है, ये बड़ों की पहुंच से दूर हो रहा है। 5-5 रुपए के साचे लाके लोग चाय बना के पी रहे हैं। इतनी महंगाई खुदारा मत कीजिए, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई करना अजाब है आवाम के लिए, अजाब है। आवाम की दुआएं लो, बद दुआएं नहीं लो। जो लोग भी करप्ट बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह जब हुकूमत ख़त्म होती है उस वक्त जो है वो करप्ट लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, नैब भी गिरफ्तार करती है, सारी एजेंसी गिरफ्तार करती है, सब आ जाते हैं उस वक्त, क्योंकि उसको पता होता है इतना अरब रुपये का ये कर्जदार है। जैसे मिसाल ले लो, पेट्रोलियम वजीर थे डॉक्टर वासीम साहब, 75 अरब 70 करोड़ इनके ऊपर आया हुआ था अरब, 100 करोड़ का एक अरब होता है। आज देख लो किस किस ने क्या लिया क्या लिया, वो आज लगा शुक्र है घूम रहे हैं फिर रहे हैं भाई, सट्टे हैं। तो ये पैसा सारा जो भी चोरी कर रहा है, ये अवाम का चोरी कर रहा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर चीज है, तेल है, मादनियात है, कोयला है, थरकोल भरा पड़ा हुआ है कोयले से, हमारे सिंध में कोयला है। अब आप ये देखें हर चीज है, उसके बावजूद अवाम गरीब है, फकीर है। अवाम अगर बोले कि हमारा हिस्सा किधर है, अवाम का हिस्सा किधर है, आइन क्या कहता है? अवाम को रिलीफ दो ना, कहीं बिजली में रिलीफ दे दो, कहीं गैस में रिलीफ दे दो, कहीं टैक्सेस में रिलीफ कर दें आप। तो अवाम को तो कोई नहीं, अवाम को तो एक कपड़े की तरह ऐसे निचोड़ा जा रहा है, अवाम को कपड़े की तरह निचोड़ा जा रहा है अवाम को। ये जो डबल सवारी की पाबंदी है, 520 रुपए का चलान है, जो कि मुस्तकिल कर दिया गया है, इनकी बुकों पे छपाई भी नहीं हुआ हुआ है, लेकिन जो इनके भारी चलान है वो उसके ऊपर एडजस्ट करके वो चलान मार रहे हैं। तो खुदारा ये डबल सवारी की पाबंदी को खत्म किया जाए, वरना आवाम के साथ जितने भी बटन हो रहे हैं वो उसका दिमाग खराब होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा ये बिल्कुल आपके दफ्तरों के आगे सारी आवाम खड़ी होगी। अभी तो खाने पीने को इनके पास नहीं है, तो रोड पे नहीं निकल सकते हैं ये। आवाम परेशान है, आवाम की परेशानी को समझो। ये के इलेक्ट्रिक, ये जो लोग हैं, कौन इनके अंदर चोर है कि डीजल पेट्रोल नहीं खरीद सकते, इनके जनरेटर्स नहीं चल सकते, बिजली की आवाम को बेहद परेशानियां हैं, मर रही है आवाम, बीमार हो रही है आवाम। बाहर मुल्कों में इंसानी जान की कितनी कीमत है, पाकिस्तान में क्यों कीमत नहीं है इंसानी जान की? ये वही पाकिस्तानी है जो कदम से कदम मिला के खड़ा होता है। मेरे दोस्त हुकूमत सिंध, मोहतरम जनाब मुराद अली शाह वजीर आला सिंध,
या आपके ऊपर जो भी बिलावल साहब हैं, चेयरमैन बिलावल साहब, तो आपका तो यही नारा था ना, रोटी कपड़ा मकान, तो सिंध में तो देओ। ये तो सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं। कब्रस्तानों में जाओ तो कब्र बुक करने 25,000, 50,000, 4 लाख, 5 लाख, इससे कम की कब्र नहीं है। कैटागिरियाँ इलाकों के हिसाब से, तारिक रोड निकल जाओ, डिफेंस निकल जाओ, 5 से 10 लाख रुपए की कब्र है। औरंगी टाउन इधर उधर सब जगह पे आया, छोटे इलाकों में जो है कम से कम 25 से 30 हज़ार की कब्र है। केएमसी के डायरेक्टर कब्रस्तान क्या कर रहे हैं? अगर उनकी भी मैं सारे चीज़ें लेके आऊं तो पता लगेगा, सब जगह से खर्चा जा रहा है उनके पास भी। तो मेरे भाई, ये डबल सवारी का चलान एक बढ़न है आवाम के ऊपर। उसके पास कमाइयाँ नहीं है, महंगा दूध खरीद रही है, महंगा सब्जियाँ खरीद रही है, खाने पीने की एशिया महंगा खरीद रही है, तेल महंगा खरीद रही है। क्या हो गया है भाई? ये चीज़ें ख़त्म की जाएं, इसके लिए बाकायदा कोई कमेटी बनाएं आप, कोई टीम बनाएं, ताकि कमीशन कराची से हटके भी कोई इन पर रेडे मारे, कमेटियाँ रेड करें। जिस तरह हेल्थ की कमेटी बनाई है ना आपने, तो वो कमेटी किसी काम की नहीं है, सिर्फ नाम की कमेटी है हेल्थ डिपार्टमेंट की। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल क्लिनिक थे ना, जाली डॉक्टरों के, अताई डॉक्टरों के, जो कि नाई का काम करने वाले आज बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं। आप देखिए उधर, इन हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट कोई नहीं है। ये शहर कराची के अंदर जो नाई का काम करने वाले, हजाम का काम करने वाले, मोचियों का काम करने वाले, वो बड़े बड़े क्लिनिक को ये हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इनकी हेल्थ डिपार्टमेंट से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट इनका कोई नहीं है। क्यों ऐसा लगाया जा रहा है? तो ऐसी कमेटियां नहीं चाहिए जो हेल्थ में कमेटियां बना दी गई हैं, हमें ऐसी कमेटियां नहीं चाहिए। कमेटियां चाहिए पुख्तगी वाली कमेटियां, कमेटियां चाहिए कि इलाका वाइज से बंदे लें, दो दो चार चार दस दस बंदे इलाका वाइज से लें, हर इलाके से बंदे लें और कमेटी बना दें, ताकि ऐसे लोगों की, ऐसे दूध खोर माफिया की, ऐसे महंगाई करने वालों की जो एक गिरफ्तारी हो सके। लेकिन बटन अवाम पे जो डालने का मकसद है, डबल सवारी की पाबंदी को ख़त्म किया जाए। मैं हुकूमत सिंध से, आवाम की तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है ख़त्म किया जाए डबल सवारी की पाबंदी, वरना भाई वेलफेयर की तरफ से, चैनल की तरफ से ये प्रूफ मौजूद हैं हाई कोर्ट में या कहीं भी, कानूनी मजाज हम लोग आवाम भी रखती है, हम भी रखते हैं, फिर हम कोर्टों में जाएंगे। जितना कमा लिया अब ख़त्म किया जाए, वरना आपको पता है सदर अयूब 25 पैसे चीनी पे बढ़ा के, जब उसको आवाम ने कुत्ता बोला कि अयूब कुत्ता दीवारों पे लिखा गया, उसने भाई फौरी इस्तीफा दे के जो है फारिग कर दिया। आज इसी का पोता पेट्रोलियम वजीर बना हुआ है फैसल अयूब। तो पेट्रोलियम कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, देख लें। आपके सामने रेट हैं पेट्रोल के, हर चीज़ के, कि 100 रुपये के ऊपर पिछले हमारे पेट्रोलियम वजीर के ऊपर अरबों रुपए का जो है वो रिश्वत का वो डाला गया था कि ये इन्होंने कमाया है पेट्रोल बढ़ा के। तो आज भी तो देख लेना क्या फ़ी बेरियल कितने का आ रहा है। फ़ी बेरियल अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान को जो है 18-19 रुपए का फ़ी बेरियल मिल रहा है। तो ये 18-19 का फ़ी बेरियल अगर मिल रहा है, तो ये इसको डिवाइड करें, क्या ये 100 रुपये पर आ रहा है, क्या 105 रुपये पर आ रहा है? आपकी आवाम माशाल्लाह पढ़ी लिखी आवाम है, तकलीफ हो रही है आवाम को, तो इस पे बटन डाले जा रहे हैं, हर चीज़ पे बटन डाले जा रहे हैं, दूध पे बटन, चीनी पे बटन, मसालों पे बटन, हर चीज़ के ऊपर। और जहाँ दो नंबर ही हो रही है वो बंदा कामयाब है, ज़बरदस्त। तो कमिश्नर कराची अहकाम जारी करें, ऐसे लोगों को, तमाम डीसी को बोले कि गिरफ्तार किया जाए। इस तरह नहीं किया जाए कि मंडियां, जो मंडियां, गाय मंडियां अभी बकरीद करीब है, गाय मंडियां जो गवर्नमेंट ने 8-9 अलाव की हैं, उसके अलावा जो ये लग रही हैं, ये मंडियां आप देखिए क्यों लग रही हैं रोडों के ऊपर, मैदानों के अंदर।
यूपी का ढाई नंबर तीन नंबर थाना जो है न्यू कराची का, उसके सामने एक कार बाजार लगता है, इतवार बाजार में कार बाजार बहुत बड़ा कराची के अंदर लगता है न्यू कराची में। वो कार बाजार इतना बड़ा है, मैदान पूरा के एकड़ के ऊपर है। उस मैदान में आप ये देखें कि एक तो कार बाजारों पे चलो वो बत्ते चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप ये देखें गाय मंडी उधर लगा दी गई है, जिसकी इजाजत सिर्फ होम डिपार्टमेंट देता है, कमिश्नर कराची देता है। उधर गाय मंडी उधर देखें आप लगा दी गई है, बहुत बड़ी एक माफिया है जो हर साल वो मंडी लगाती है। क्योंकि पिछले साल भी हमने ये डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल से हमने बात करी थी, तो उन्होंने ये कहा था नहीं जी इस मंडी की किसी को इजाजत नहीं जाती, यहाँ मंडी नहीं लगेगी, यहाँ पे गलियाँ हैं, घर हैं, लोग हैं, आते जाते हैं, औरतें आती जाती हैं, लोग परेशान हो जाएंगे, रोड जाम हो जाएंगे। क्या पिछले साल रोड जाम नहीं हुए जब उन लोगों ने, माफिया लोगों ने मंडी लगाई? आज भी उन्होंने मंडी लगाई हुई है, आप देखें कैसी माफिया है वो, क्यों नहीं उसके ऊपर एप्लीकेशनें दी हम लोगों ने, सब कुछ किया, लेकिन वो मंडी नहीं हटाई गई। उसकी वजह क्या है? लाखों रुपए का डिप्टी कमिश्नर भत्ता ले रहा है, लाखों रुपए के लोग सरकारी लोग भत्ते ले रहे हैं, आज वो मंडी देखें लगी हुई है। ये चीजें देखें ना जो नुकसान दे रही है आवाम को, कानून देखें जो कानून है, कानून पर चलें फिर आप, फिर होम डिपार्टमेंट की, डिप्टी कमिश्नर की, कमिश्नर कराची की, फिर हमें जरूरत ही नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं ना। फिर हमारा जहाँ दिल करेगा मंडी लगाएं, जहाँ दिल करेगा रोडों पे बाजार लगाएं, 7 बजे का अगर लॉकडाउन है, हम नहीं लॉकडाउन करते, हम रोडों पे खड़े होकर काम कारोबार करते हैं, हम अपनी दुकानें खोलते हैं। जब ये हुकूमत की पाबंदी नहीं कर रही है तो दूसरे लोग क्या पाबंदी करेंगे? मंडी लगाने के कितनी शराइतें हैं के दस्ताने होने चाहिए, सैटेलाइट होनी चाहिए, ये अपना हाथ धोएं इधर, ये सारी चीज़ होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। यहाँ देखें ना आप, अगर ये न्यू कराची की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी की सबसे बड़ी मंडी कराची की यहाँ लगी हुई है। इस मंडी को किसने इजाज़त दी? डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने इजाज़त दी। किसने इजाज़त दी? डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को क्या मालूम नहीं है हर साल मंडी लगती है? ये वहाँ पे ऐसे भर के बैग पहुँचाए जाते हैं, नोट पहुँचाए जाते हैं, पे ऑर्डर पहुँचाए जाते हैं, तो कौन हटाएगा इस मंडी को? उनको पता है 4 दिन की मंडी है, लगने दो, पैसे तो मिल रहे हैं ना। तो अगर सरकार के इलम में जो बातें नहीं है वो बातें मैंने बताई सरकार को, तो इस पे थोड़ा सा ख्याल कर ले, अमल कर ले, हमारे लोगों को फायदा पहुंचाए, अवाम को। हम अवाम के लिए मांग रहे हैं आपसे, और डबल सवारी की पाबंदी को खत्म किया जाए, डबल सवारी की पाबंदी को खत्म करें, ताकि लोग अपने अपने कामों पर तरीके से जाएं, और जो लोगों का नुकसान हो रहा है, काफ़ी नुकसान से लोग बच जाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अवाम की तरफ से, अवाम आपसे रिक्वेस्ट करती है कि डबल सवारी की पाबंदी को ख़त्म किया जाए। इसी के साथ मैं प्रोग्राम को ख़त्म करता हूं। आमिर अमीर अब्बासी, स्काई वन न्यूज़ से, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।